इतिहास से यानी कि हिस्ट्री का पूरा डेट वाइज निचोड़, जो कि हड़प्पा काल से लेकर और स्वतंत्रता तक का वीडियो का हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कल यहाँ तक हो चुका था, यहाँ तक 746 से 974 गुर्जर कबीले द्वारा 746 ईस्वी के आसपास अनहिलपुर आनंदपुर की स्थापना, 824 से 924 ईस्वी वैष्णव भक्ति काल, 831 से 1310 ईस्वी बुंदेलखंड में चंदेलों का राज्य, विष्णु मंदिरों और खजुराहो के मंदिरों का भी निर्माण किया गया था, जो कि 831 से 1310 ईस्वी के बीच। ये सब डेट वाइज आप लोग ध्यान से याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। 986 से 87 ईस्वी खुरासान के शासक अल्पतगिन के गुलाम सुबुक्तगिन का काबुल कंधार में हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण, 997 से 998 ईस्वी सुबुक्तगिन की मृत्यु, महमूद गजनवी खुरासान की गद्दी पर बैठा, यानी कि 997 998 के बीच सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद मोहम्मद गजनवी खुरासान की गद्दी पर बैठा और वहाँ से उसने क्या क्या किया, चलिए देख लेते हैं। 1000 ईस्वी मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण, कबीले में 10-14 ईस्वी झेलम तक का क्षेत्र गजनवी के राज्य में, 10-17 वैष्णव आचार्य रामानुज का जन्म, 10-25 से 10-26 ईस्वी सोमनाथ मंदिर गुजरात की लूट, 10-30 यानी कि 1030 ईस्वी महमूद गजनवी की मृत्यु, महमूद गजनवी सुल्तान अल्बर्नी का भारत आगमन, गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देख लेते हैं क्या क्या बनता है। 1000 ईस्वी महमूद गजनवी का भारत पर काबुल में आक्रमण, पहला आक्रमण 1000 में किया था। उसके बाद 10-14 ईस्वी में झेलम तक का क्षेत्र गजनवी के राज्य में मिला लिया था, 10-17 ईस्वी वैष्णव आचार्य रामानुज का जन्म, 10-25-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी गुजरात में है को लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हम दोहरा रहे हैं। 10-30 यानी कि 1030 ईस्वी महमूद गजनवी की मृत्यु, महमूद गजनवी सुल्तान अल्बर्नी का भारत आगमन। चलिए आगे देखते हैं। 1163 ईस्वी मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनवी का शासक बना, 1191 ईस्वी तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद गौरी पराजित, 1192 ईस्वी तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज की हार, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का
सूबेदार नियुक्त मेरठ एवं कौल अलीगढ़ पर अधिकार। 1192 से 1193 ईस्वी दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य। 1200 ईस्वी मोहम्मद गौरी की मृत्यु। दिल्ली पर 1192 से 1193 ईस्वी दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार। 1200 ईस्वी मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1200 ईस्वी में हो गई। 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया क्वेश्चन आता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, जो कि 1206 से शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा। 1210 ईस्वी आराम शाह उत्तराधिकारी बना। 1211 से 1236 ईस्वी इल्तुतमिश का शासनकाल। 1221 ईस्वी भारत पर चंगेज खां का हमला। फिर दोहरा रहे हैं, 1210 ईस्वी में आराम शाह उत्तराधिकारी बना, जो कि किनका, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी। 1210 ईस्वी में आराम शाह उत्तराधिकारी बना। 1211 से 36 ईस्वी इल्तुतमिश का शासनकाल रहा, जो कि वास्तविक दिल्ली के शासक यानी कि कहा जाता है। ऐसे संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, लेकिन वास्तविक पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा। 1221 ईस्वी भारत पर चंगेज खां का हमला। चलिए रजिया सुल्तान को देख लीजिए कैसी थी उस समय की रजिया सुल्तान। चलिए आगे देखते हैं इन पर क्वेश्चन। 1236 ईस्वी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, वह इल्तुतमिश की बेटी थी, यह भी आप लोग याद रखिएगा। 1239 ईस्वी मलिक अब अल्तुनिया का विद्रोह। 1240 ईस्वी रजिया सुल्तान की हत्या। 1241 ईस्वी भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण। 1246 ईस्वी सुल्तान नसीरुद्दीन गद्दी पर आसीन, और 1265 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर से दोहरा दे रहे हैं, 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। 1239 ईस्वी में मलिक अल्तुनिया का विद्रोह। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या, जो कि यह इल्तुतमिश की बेटी थी। 1241 ईस्वी में भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण। 1246 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन गद्दी पर आसीन। 1265 में उसकी मृत्यु हो गई। 1253 अमीर खुसरो का जन्म हुआ, और 1266 से 1286 ईस्वी गियासुद्दीन बलवन गद्दी का राज संभाला, ये भी आप लोग याद रखिए। 1288 से 1293 ईस्वी मार्को पोलो की भारत यात्रा। 1290 ईस्वी जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, खिलजी वंश की स्थापना। 1295 से 1316 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और दक्कन तक विस्तार। फिर से दोहरा दे रहे हैं, 1288 से 1293 ईस्वी मार्को पोलो की भारत यात्रा। 1290 ईस्वी जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, खिलजी वंश की स्थापना। 1295 से 1316 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मालवा और दक्कन तक विस्तार।
चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर लाइक शेयर। 1320 से 1325 ईस्वी गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना, तुगलक वंश की स्थापना। 1325 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर आसीन, अमीर खुसरो की मृत्यु। 1325 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर आसीन हुआ, अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। 1326 से 1327 ईस्वी मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण किया गया। चलिए आगे देखते हैं, फिर से बोल रहे हैं, अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए। 1330 ईस्वी तांबे के सिक्के जारी किए गए। 1333 ईस्वी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता की भारत यात्रा। 1330 में तांबे के सिक्के जारी किए गए, यह भी याद रखिएगा। 1350 ईस्वी में संत रामदेव का निधन। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का राज्यकाल। 1398 ईस्वी में तैमूर लंका आक्रमण। चलिए आगे देखते हैं, 1412 ईस्वी में अंतिम तुगलक शासक महमूद की मृत्यु। 1414 ईस्वी में दिल्ली पर खिजर खां का अधिकार। 1430 से 1469 मेवाड़ में राणा कुंभक का राज्यकाल। 1447 ईस्वी में बहलोल लोदी का शासन, लोदी वंश की स्थापना। 1447 ईस्वी में बहलोल लोदी शासन, लोदी का शासन, लोदी वंश की स्थापना। 1450 ईस्वी गोरखनाथ की साखियों की रचना। 1450 ईस्वी में गोरखनाथ की साखियों की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं, 1455 ईस्वी प्रसिद्ध संत कबीर का जन्म। 1455 में कबीर का जन्म हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1469 ईस्वी गुरु नानक देव का ननकाना में जन्म। 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, जो कि ननकाना साहिब में हुआ था। 1485 ईस्वी चैतन्य महाप्रभु का जन्म। 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर आसीन। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुँचा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुँचा। 1509 से 1527 ईस्वी में मेवाड़ में राणा सांगा का राज्यकाल। 1509 से 1527 ईस्वी मेवाड़ में राणा सांगा का राज्यकाल। चलिए आगे देखते हैं, 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु, इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। 1519 ईस्वी में बाबर का भारत आक्रमण आगमन। भीरा सियालकोट कंधार लाहौर और सरहिंद पर अधिकार के बाद 1526 ईस्वी 21 अप्रैल में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली पर कब्जे के साथ ही मुगल साम्राज्य की स्थापना, यानी कि 1519 ईस्वी बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ था। मीरा सियालकोट कंधार लाहौर और सरहिंद पर अधिकार के बाद 1526 ईस्वी 21 अप्रैल में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली पर कब्जे के साथ ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। चलिए सभी क्वेश्चन पूछता है, 1527 ईस्वी में राणा संग्राम सिंह तथा बाबर के मध्य
खांडवा का युद्ध 16 मार्च को हुआ 1527 ईस्वी में। फिर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई, जो कि 29 मई को हुआ था। बाबर की मृत्यु, बाबर ने 4 युद्ध लड़े, 26 में पानीपत का, 27 में खानवा का, पानी पिया, खाना खाया, फिर घाघरा का घर गया, यानी कि घर गया। घाघरा का युद्ध 28 में, 1528 में, और 29 में मड़वा का युद्ध, मर गया। खाना खाया, पानी पिया, कैसे नहीं है। बाबर ने 4 युद्ध लड़े। चलिए आगे देखते हैं। 1534, 1534 ईस्वी में हुमायूं का मालवा को प्रस्थान, शेरशाह ने सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल के शासक महमूद खां को परास्त किया। 1535 ईस्वी में हुमायूं की गुजरात और मालवा पर विजय। 1538 ईस्वी, हुमायूं का बंगाल पर आक्रमण, सिख गुरु नानक देव का निधन। 1538 ईस्वी में हुमायूं का बंगाल पर आक्रमण, सिख गुरु नानक देव का निधन। 1535 ईस्वी में हुआ था तो हुमायूं की गुजरात और मालवा पर विजय। 1534 में हुमायूं का मालवा को प्रस्थान, शेरशाह ने सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल के शासक महमूद खां को परास्त किया था। चलिए आगे देखते हैं, और आज के लिए इतना ही रहने देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। फिर अगला वीडियो में इससे आगे लेकर आएंगे, हुमायूं से आगे। 1539 ईस्वी, चौसा के युद्ध में हुमायूं शेरशाह से पराजित। 1540 ईस्वी, शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1542 ईस्वी, हुमायूं जोधपुर पहुंचा, अमरकोट में 15 अक्टूबर अकबर का जन्म हुआ, अमरकोट में ही। चलिए आगे देख लेते हैं, यहीं तक आज रहने देते हैं, इसके बाद आगे अगला वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। 1542, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, धन्यवाद। चलिए आगे देख ही लेते हैं कुछ और। 1545 ईस्वी, शाह तहमासप की मदद से कंधार काबुल पर पुनः हुमायूं का अधिकार। 1545 में, 1553 में सूरजवंशी शासक इस्लाम शाह की मृत्यु। 1555 ईस्वी, लाहौर पर हुमायूं का अधिकार। 1556 ईस्वी, हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी, बैरम खां के संरक्षण में अकबर मुगल सम्राट बना पानीपत के दूसरे युद्ध 5 नवंबर हुमायूं को हराया, हेमू को हराया। पुर्तगाल का पहला प्रेस गोवा पहुंचा, जिसे जेसुइट पादरी लेकर आए थे। चलिए आगे देखते हैं। 1562 ईस्वी, आमेर की राजकुमारी राजा भारमल की पुत्री से अकबर का विवाह। 1562 ईस्वी में आमेर की राजकुमारी राजा भारमल की पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। 1563, अकबर जो कि गद्दी पर बैठा था वह 13 वर्ष का था, यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता था, सबसे कम उम्र का। 1563, अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 ईस्वी, जजिया कर की उगाही बंद, अकबर से हार कर रानी दुर्गावती द्वारा आत्महत्या।
चलिए, सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसलिए पढ़िए ध्यान से। 1568 ईस्वी अकबर की चित्तौड़ पर विजय, 1569 रणथंभौर और कालिंजर पर अकबर का अधिकार, युवराज सलीम जहांगीर का जन्म, 1571 ईस्वी फतेहपुर सीकरी का निर्माण, 1572 ईस्वी 1569 ईस्वी रणथंभौर और कलिंजर पर अकबर का अधिकार, युवराज सलीम जहांगीर का जन्म। ये भी क्वेश्चन आता है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ, तो 1569 ईस्वी में हुआ था। 1568 ईस्वी अकबर की चित्तौड़ पर विजय, 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था अकबर ने, 1572 ईस्वी महाराणा जय सिंह की मृत्यु, राणा प्रताप को गद्दी पर बैठाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 1573 ईस्वी गुजरात पर अकबर का अधिकार, 1574 से 76 ईस्वी अकबर की बिहार बंगाल पर विजय, 1575 ईस्वी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, राणा प्रताप पराजित, अकबर का बंगाल पर अधिकार, दाऊद खां की मृत्यु। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था पूछेगा, 1576 में राणा प्रताप पराजित, अकबर बंगाल का पर अधिकार, दाऊद खां की मृत्यु। चलिए क्वेश्चन ये सब पूछता ही पूछता है। 1582 ईस्वी अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा, अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा कब की, तो 1582 ईस्वी में। 1583 ईस्वी पहले पांच अंग्रेज व्यापारी जॉन न्यूबरी, रिचर्ड स्टेपर राल्फ, जेम्स स्टोरी तथा विलियम लीड्स अकबर के नाम महारानी एलियाबेथ का पत्र लेकर भारत पहुँचे। अकबर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन लीड्स को अकबर के यहाँ झवेरी की नौकरी मिल गई। फिंच 8 साल तक भारत बर्मा की यात्रा करने के बाद 26 अप्रैल 1591 को लंदन पहुंचा। फिंच के विवरण से ही अंग्रेज व्यापारियों की भारत के व्यापार करने की लालसा बलवती हुई। 1585 ईस्वी कश्मीर पर अकबर का अधिपत्य, 1589 ईस्वी राजा टोडरमल की मृत्यु। चलिए आगे पढ़ते हैं। 1590 से 1592 ईस्वी अकबर की सिंध पर विजय, 1592 ईस्वी उड़ीसा पर अकबर का अधिकार, 1595 ईस्वी अकबर की कंधार विजय, बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य में शामिल, 1597 ईस्वी राणा प्रताप की मृत्यु। चलिए 1597 अब आ जाता है 1600। 1600 ईस्वी महारानी एलियाबेथ ने भाई जॉर्ज अर्ल ऑफ कम्बरलैंड तथा सर जॉन हॉट की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। 1601 ईस्वी अकबर का असीरगढ़ पर अधिकार, 1601 से 1603 ईस्वी अकबर के पुत्र सलीम का विद्रोह, 1602 ईस्वी अबुल फजल की मृत्यु, डच यूनिवर्सल यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 13 वर्षों में ही
हॉलैंड के एशिया व्यापार में असाधारण वृद्धि। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में ला के रहेंगे इससे आगे। तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।